पंजाब की बीएड के इस फेज में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, क्योंकि अभी आपको जो काउंसलिंग चल रही है फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें रैंक वाइज आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और प्रेफरेंस फिल्ड बाय यू ऑफ कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ लिखा भी हुआ है, उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसने वेरीफाई करने हैं। आपके लिए अच्छा है, इससे पहले सालों में जब बीएड होती थी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जनरली यूनिवर्सिटी जाते थे, तो अब आपके कॉलेज की ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वेरीफाई करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए वो तैयार करने चाहिए, लेने चाहिए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, अगर कॉलेज इतना टाइम दे देता है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अभी भी तैयार करवा लो, क्योंकि उनको अपनी एडमिशन को प्रेफर करना है। हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट है जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर लेट होता है इधर रिटर्न फिल करनी है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको फाइन पे करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर है कि सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बार बार ये बोल रहा हूं। अच्छा, अलॉन्ग विद वन फोटोकॉपी, इट मीन जब आपने कॉलेज जाना है तो आपके पास ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटो कॉपी ऑफ दीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा आपसे कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी डिमांड की जाती है, वो आप तैयार रखें। और कई बार जो रिजर्व कैटेगरी है जहां कई कॉलेजेस आपका आधार कार्ड भी डिमांड कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए कि रैंक ऑफ कैंडिडेट एज पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नोटिफाइड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, ठीक है, वो सिर्फ आपके पास होगी। एडमिट कार्ड जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो भी आपके पास होगा, उसी फोटोकॉपी एक जरूर रख ले। प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने अप्लाई किया था तो आपको कहा गया था कि आपने एक प्रिंट निकाल के अपने पास रखना है ना। अगर नहीं है तो आप अपना पासवर्ड और वो जो लॉगिन करके एक बार दोबारा उसको प्रिंट कर सकते हैं, कॉलेज हेल्प कर सकता है। डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ 10th, यहाँ 10th के क्यों डिमांड किए जाते हैं, जनरली आपका एक नेम की प्रॉब्लम कोई होती है और डेट ऑफ बर्थ, ये कंफर्म यहाँ से जनरली किया जाता है। डिटेल मार्क्स कार्ड एंड डिग्रीज ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, रिपीट कर रहा हूँ, डीएमसी अलग है जिसमें मार्क्स होते हैं, डिग्री भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया 10th का, है ना, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर 10+2 का हो गया, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती वैसे। फिर सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, आपकी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के आपके हो गए 3 साल, 1, 2, 3, ओके। तो 10th की आपकी डीएमसी भी और डिग्री भी, ये भी सर्टिफिकेट होता है ना उसका, तो ऐसे ही 10+1, 2 का डीएमसी प्लस डिग्री और ऐसे ही ग्रेजुएशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी यहां से वेरीफाई होनी है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डीएमसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि यहां से ही ये देखा जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपने 3 इयर्स इलेक्टिव पढ़ा हुआ है ना, जो आपका मेजर बनना है, और दूसरा सब्जेक्ट आपने मिनिमम फर्स्ट 1 ईयर पढ़ा हुआ है, तो ये डीएमसी से पता चलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो इसके अलावा ये आपके हो गए ग्रेजुएशन है, अगर किसी ने की पोस्ट पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बेस पर एलिजिबिलिटी बनी है ना, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के डीएमसी प्लस डिग्री दोनों ही लेके जाएंगे। एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है इसके अलावा, कोई डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी लास्ट डिग्री और जो अब जो प्रेजेंट टाइम है उसके बीच में टाइम गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी है, बन जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट, जो भी आपने बेशक एमए की है, बीए की है, कोई भी डिग्री, लास्ट इंस्टीट्यूट जो रेगुलर अटेंड किया था, रेगुलर, हाँ, दूसरा नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस वाले नहीं, उनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता।
तो यहाँ पर लास्ट इंस्टीट्यूट जो अटेंड किया वहां से आप करेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट करोगे। रेजिडेंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है क्योंकि दो कोटा है, 15% कोटा है नॉन पंजाब का कोटा या ऑल इंडिया कोटा है ना, उसके लिए रेजिडेंस आपको उस पंजाब की बाहर की स्टेट का चाहिए और 5 ईयर्स के लिए ये वैलिड होता है, ये याद रखनी है। आप पंजाब वाले जो 85% सीट्स हैं उनके लिए भी ये 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अगर आपका 5 ईयर निकल चुके हैं तो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, आप आज ही अप्लाई कर दीजिए। हाँ, रिजर्वेशन कैटेगरी ये एक बार ही बनता है। हाँ, क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी के नए तरह से सर्टिफिकेट बन रहे हैं, कई बार उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तो ई सर्टिफिकेट शायद बनते हैं, तो इसके बारे में बाद में बता दूंगा। रूरल एरिया क्लेम, अगर आपने ये कहा है कि मैंने 10th भी और 10+2 भी रूरल एरिया से की है, तो आपको एक सर्टिफिकेट जो नीचे अपेंडिसेस है मैं दिखा देता हूँ, वो देना पड़ेगा। वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा। नंबर एक, इनसे पहले इससे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, प्रिंसिपल है 10th के और 10+2 के और DEO से, है ना, ओब्लिक सरपंच लिखा हुआ है, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जैसे DEO को ही प्रेफर करती है। ये आपने इन दोनों में बनवा लेना है। अच्छा, एफिडेविट इसको उड़ा दे, एफिडेविट रिगार्डिंग गैप ईयर जो मैंने अभी बताया है कि अगर आपका गैप है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, तो वो वेरी इजी है फॉर्मेट। आप तहसील में जाओगे वहां पर फॉर्मेट बना हुआ है, अपने नाम और फादर्स नेम और बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी देनी है, फिट करते हैं विद इन 10 और 20 मिनट, नोटरी ने अटेस्ट कर देना है। 10 मिनट बस आपका 100-200 रुपया लगना है और वह बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी अदर सर्टिफिकेट एनी अदर है, एक तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए, माइग्रेशन जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, तो माइग्रेशन जनरली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन ही अप्लाई करती है, मेरे ख्याल में पंजाबी यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन है, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुझे क्लियर नहीं है, तो आपको अभी अप्लाई कर देना चाहिए। एक तो इसकी फीस लगती है, लगभग 1500 के करीब लगेगी फीस। दूसरा है कि आपको मिनिमम 15 से 20 दिन लेके चलना होगा कि लग जाएंगे। अगर ये माइग्रेशन लेट होता है तो स्टूडेंट्स रिटर्न उस यूनिवर्सिटी की जाती है तो आपको फाइन भी पड़ सकता है, जैसे 500-200 ऐसे के करीब हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी का। फाइन आपका कॉलेज को नहीं, यूनिवर्सिटी को जाना है, वहां कॉलेज कोई गलत नहीं है, दैट इज वाई आपको टाइम पर ये अप्लाई कर देना चाहिए। तो एक इक्वलेंस सर्टिफिकेट है, इक्वलेंस सर्टिफिकेट, इक्वलेंस सर्टिफिकेट वो क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के बेस पर एलिजिबल हो बीएड के लिए, तो मान लीजिए आप GNDU में एडमिशन ले रहे हो, आपने ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटी से की हुई है, तो आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि उनकी ग्रेजुएशन और आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 75% सिलेबस सेम है उस सब्जेक्ट का जो आपने पढ़े हैं। इक्वलेंस किसे कहते हैं ये बता रहा हूं आपको, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए आए हो और ग्रेजुएशन आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से की हुई है, मेरे ख्याल में ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, हो सकता है पटियाला और दूसरी यूनिवर्सिटी ना करती हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ लेना चाहिए। तो इक्वलेंस में आप अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी को जहां पर आपने एडमिशन लेना है और उस डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट है इक्वलेंस के लिए चला जाता है, जो जो भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसने भी वो सिलेबस बनाया है, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को इनवाइट करते हैं, मंगवाते हैं और वो उससे कंपैरिजन करते हैं, और जो भी कंपैरिजन करता है उसे परसेंटेज देनी होती है, क्योंकि ये मैं काम करता रहा हूं कि कितने परसेंट उनकी इक्वल है, बराबर है सिलेबस जो है, अगर वो 75 से ज्यादा है तो वो ग्रेजुएशन मानी जाती है, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर सकती है, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, इक्वलेंस जनरली मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट थे, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में माइग्रेशन आपको तंग करता है, टाइम लगता है,
और तंग करने वाला ये बहुत कम केस कोई ही होगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जिन्हें आना उनमें हो सकता है। अच्छा, गैप सर्टिफिकेट इजी बन जाता है। रूरल एरिया की अगर आपने है तो ये पहले मैं अवेयर कर चुका था, है ना, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर भी 2-4 दिन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनरली नहीं मिलते, ऑफिसर लोग हैं नहीं मिलते। डोमिसाइल को भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक टेक्निकल आस्पेक्ट है, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो बाकी डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, उनकी फोटो स्टेट और आप अपना आधार कार्ड और प्लस पासपोर्ट साइज की कम से कम 4-5-6 फोटो आप साथ में लेके जाइए जब कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाते ही आपने सबसे पहले अपनी वेरिफिकेशन जब करवा लेते हो तो वहां पर माइनर जो सब्जेक्ट आपने लेना है वो पिछले वीडियो जो दिए गए थे उनके अनुसार, जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो वो उसको चूज कीजिए, ये यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां फ्लेक्सिबिलिटी है, 1-2-3-4 दिन भी आपको दे सकते हैं, ये नहीं सोच लो ये मिल जाएगा वहां, फिर आप चैनल पर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और नेक्स्ट बात क्या है कि फीस के रिगार्डिंग आप कॉलेज से 100% वेरीफाई कर लीजिए कि कौन कौन सी फीस है, कितनी देनी पड़ेगी, हिडन क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, भी फीस का वीडियो निकाला है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए क्या इसके अलावा कोई और चार्जेस तो नहीं है। अगर कोई और चार्जेस है अभी बताए जाए, जब आप, ये आपका हक है, जब आपको क्लियर हो जाए कि इतनी फीस मेरी टोटल लगेगी इस कॉलेज में तो आप नेचुरली प्रोस्पेक्टस लीजिए, है ना, और फिर फीस अपनी जमा करवाइए, फिर आपकी एडमिशन हो गई मानी जाएगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ फीस या कोई और गड़बड़ जहां आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कॉलेज शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के लिए दूसरा वीडियो निकाल दूंगा। यहां तक डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग था। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।